नमस्कार, मैं आपका अपना सुभांशु राय। इस बाढ़ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये है मेरे घर का रोड, जो कि इस समय पूरा भर चुका है। आप देख सकते हैं यहां पे पानी लग गया पूरा। ये कुआं, इसमें भी पानी आ चुका है अभी। ये है खेत, और 2013 में ये पूरा कुआं डूब चुका था। 2016 में लगभग पानी यहाँ तक था, तो अभी 2019 से ये पानी पार कर चुका है। हो सके तो 2013 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है पानी। अभी आशंका जताया जा रहा है, तो अभी हम लोग पानी में चलते हैं, हम और हमारे साथी। तो आगे की जानकारी देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग एशिया के सबसे बड़े ग्राम सभा शेरपुर में हैं, और ये पूरा मेन रोड है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और वॉलीबॉल का पूरा नेट, बस नेट दिख रहा है, और नीचे का पूरा डूब चुका है। और ये हनुमान जी का मंदिर, यहाँ तक पानी पूरा आ चुका है। आगे आप देख सकते हैं, ये लोग, कुछ लोग पलायन करते हुए। ये दूसरा नेट वॉलीबॉल का, ये पूरा शेरपुर डूब चुका है। अभी मैं भी पानी में चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारे ये लोग आ रहे हैं पानी में, तो मैं भी आप लोगों को कुछ बाढ़ की तस्वीरें दिखाने के लिए इधर आया हूँ। अभी हम लोग शेरपुर चट्टी का रास्ता है ये, और ये रास्ता सीधे गांव में जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंटर करने वाली मशीन पूरा डूब गई है, और ये घर अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, और ये इसके आधा ये पूरा डूब चुका है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। इस रोड पे 5 दिन पहले लोग आते जाते थे, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से बंद है। कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा, जैसा कि भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जलमग्न। यही स्थिति 2013 और 2016 में भी हुई थी। वहाँ पे देख सकते हैं एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, जो कि डूब चुकी है, और वो शेरपुर का मार्ग, शेरपुर और कुंडेसर का मार्ग। फिर से आपको बता दें, शेरपुर जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है, और यह गाजीपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यही है यहाँ का हाल। ये है मंदिर, जहाँ देखो पूरा पानी ही पानी। अभी यहाँ पे अचानक मेरी नज़र गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत सारे, जो कि बोलते हैं तिनके का सहारा, सब एक साथ विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े एक ही साथ एक ही जगह पे उपस्थित हैं अभी। तो यही हाल है, सबका हाल बेहाल है, चाहे वो मनुष्य जीव जंतु जो भी हों, सबकी स्थिति खराब है। यहाँ पे ये पाइप लगा था, लगने के लिए आया था, लेकिन अभी ये तैर रहा है पूरा। ये मनुष्य तैरता हुआ आप देख सकते हैं इसको। किसी के लिए आनंदित करने वाला यह बाढ़, और किसी को अपने जगह से पलायन करने पे मजबूर कर दे रहा है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बस लगभग 1.5 मीटर की दूरी पे पानी है ये, और जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ट्रांसफार्मर अगर इसमें लाइट होगी तो लाइट पानी में भी आ सकती है। जी, हमारे गांव का पूर्वी छोर, जो कि ये रास्ता गांव में जाता है,
इधर से ये मेन रोड है पूर्वी छोर के लिए, और ये ट्रांसफार्मर, ये दूसरा ट्रांसफार्मर जो कि पूर्वी छोर के लिए है। तो ये भी ट्रांसफार्मर काफ़ी ट्रांसफार्मर के करीब पहुंच चुका है, लगभग 1 फीट नीचे। तो आशंका है कि आज के बाद लाइट नहीं आएगी।